नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरें। पहली खबर जुड़ी है बताशा चाचा से, जो इंडस्ट्री के बेस्ट कॉमेडियन माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में 13वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड में मनोज सिंह टाइगर उर्फ बताशा चाचा को राइटर, बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिला है। किस फिल्म के लिए? निरहुआ की फिल्म सिपाही के लिए। अगली खबर ग्लोरी मोहंता से जुड़ी है, जिन्होंने हाल ही में एक स्टेज परफॉर्मेंस दी स्टेज शो के दौरान। उसके बाद उनके एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें ग्लोरी मोहंता ये बताती हुई नजर आई हैं कि हीरोइनों के कारण आइटम डांसर्स को इंडस्ट्री से बाहर होना पड़ रहा है और जो काम मिलता है अब वही करना पड़ता है। अगली खबर जुड़ी है मोस्ट पॉपुलर का अवार्ड जीतने वाली अंजना सिंह से, जिन्हें अवार्ड मिलने के बाद उनका इंटरव्यू सामने आया। उन्होंने सभी को धन्यवाद कहा है और अंजना सिंह काफ़ी खुश दिखे इस अवार्ड के साथ। जब उनसे पूछा गया आपको किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला है, तो फिल्म का नाम ना बताते हुए अंजना सिंह ने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे बेस्ट फीमेल एक्टर के लिए मिला है। पहली बार अरविंद अकेला कल्लू भी किसी अवार्ड शो में पहुंचे, हालांकि अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अगली बार अवार्ड जीतने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। स्टेज परफॉर्मेंस भी की है उन्होंने शानदार। अगली खबर अक्षरा सिंह से जुड़ी है, क्योंकि अक्षरा सिंह ने एक आरोप लगाया है किसी पर कि मुझे धमकी मिल रही है, जबकि पवन के फैंस इस बात से काफ़ी भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको आंसू बहाकर सिर्फ हमदर्दी बटोरने की आदत है, आप पवन भैया पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर खुद के गानों पर अच्छे व्यूज़ दिलवाना चाहते हैं। आप हमेशा ये नाटक तभी करती हैं जब आपका कोई एल्बम रिलीज़ होने वाला होता है। अगर पवन भैया ने ऐसा किया है तो जाके पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाती हैं और क्यों मीडिया के सामने किसी का नाम नहीं लेती, क्यों हमेशा आंसू बहाकर हमदर्दी बटोरने की कोशिश करती हैं। ऐसी तमाम बातें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, तो जंग छिड़ा हुआ है दोनों के फैंस के बीच। तो हम जल्दी से आपको जितनी खबरें अभी तक बताई हैं उसे विस्तार से दिखा देते हैं, एक बार देखिए। भोजपुरी फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी खेसारी लाल और काजल राघवानी इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों को लेकर खासा चर्चाओं में हैं, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री की खबरों के बाद पिछले कुछ दिनों से दोनों के अलगाव और ब्रेकअप की खबरें भी सामने आने लगी। वो भी तब से जब से काजल राघवानी ने लाइव आकर रोते हुए ये बात कही कि उनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन अब ये बात पक्की हो गई है जब खेसारी के साथ फिल्म ना करके काजल ने रितेश पांडे का हाथ थाम लिया है। जी हाँ, हाल ही में खेसारी लाल एक नई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। सुनने में आया है कि उस फिल्म में काजल राघवानी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पहले ही दिन रितेश के साथ काजल का एक रोमांटिक गाना शूट किया गया, जिसमें रितेश के साथ काजल ने एक से बढ़कर एक रोमांटिक सीन दिए हैं, जिसकी तस्वीर भी रितेश ने शेयर की है। काजल और रितेश को एक साथ देखकर सब हैरान तो हैं, लेकिन कुछ लोग काफ़ी खुश भी हैं क्योंकि दोनों पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। वह जाते जाते बता दें कि आंध्र प्रदेश के यानम में रितेश पांडे के साथ काजल राघवानी अपने इस फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। हालांकि इस फिल्म का नाम अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। अपने अलग अलग किरदार से कई लोगों को हंसाने वाले, फिल्म में मनोरंजन का मेन हिस्सा रहने वाले इंडस्ट्री के कॉमिक हीरो मनोज आर टाइगर उर्फ बताशा चाचा को हमेशा से अभी तक ना जाने कितने कॉमिक हीरो के बेस्ट कॉमिक हीरो के अवार्ड मिलते आए हैं, लेकिन बीते दिन पहले 13वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड में पहली बार उन्हें बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिला है। यह अवार्ड सभी के लिए हैरानीजनक है, खासकर खुद मनोज टाइगर के लिए भी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिल सकता है। अभी तक उन्होंने जीता तो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमिक किरदार से, लेकिन यह पहला अवार्ड है जो उन्हें बेस्ट राइटिंग के लिए मिला है। जाते जाते बता दें कि उन्हें यह अवार्ड सिपाही फिल्म के लिए मिला है, क्योंकि सिपाही फिल्म मनोज टाइगर ने ही लिखी थी। इस बात की खुशी उन्हें बहुत है। तो इंडस्ट्री में कॉमेडी का किरदार निभाते निभाते मनोज टाइगर बन गए हैं इंडस्ट्री के बेस्ट राइटर भी। नेक्स्ट टुनाइट न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। इन दिनों भोजपुरी फिल्मों में आइटम या प्रमोशनल डांस में आपको सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी की हीरोइनें ही देखने को मिलती होंगी। कई बार फिल्म मेकर्स हीरोइनों का डांस इस मकसद से लेते हैं ताकि उनकी फिल्म हिट हो जाए, तो वहीं कई बार पैसे बचाने के मकसद से भी अपनी ही हीरोइनों से फिल्मों में प्रमोशनल डांस भी करवा लिया जाता है। जब से इंडस्ट्री की टॉप 3 हीरोइनों ने प्रमोशनल सॉन्ग या फिर यूं कह लें आइटम डांस में कदम रखा है, तब से बाकी की आइटम डांसर्स को हो रही है परेशानी। हालांकि ये बात अभी तक किसी ने कैमरे के सामने नहीं कबूली थी, लेकिन 22 तारीख को हुए अवार्ड फंक्शन में पहुंची ग्लोरी मोहंता ने अपना दर्द बयां करते हुए ये कहा है कि अब तो हमें कुछ भी काम मिलता है तो हमें मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि अब हमें
आइटम डांस नहीं मिल पाता हीरोइनों के कारण, क्योंकि ज्यादा हीरोइन ही अब आजकल आइटम डांस करने लगी हैं। किसी का कुछ पता नहीं चलता कि कौन क्या काम कर ले, इसलिए भलाई इसी में है कि जो काम जिसको मिले वो स्वीकार कर ले और उस काम को पूरा कर ले, तभी इंडस्ट्री में टिके रह सकते हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में युवा दिलों की धड़कन माने जाने वाले अरविंद अकेला कल्लू फिल्म राजतिलक के सेट पर पहले दिन नर्वस हो गए थे। ये बात खुद कल्लू ने अपनी फिल्म राजतिलक की शूटिंग के अंतिम शॉट से पहले कही। कल्लू इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार हैं, फिर भी वो नर्वस क्यों हो गए? इसका जवाब देते हुए कल्लू ने कहा कि राजतिलक में इंडस्ट्री के सारे सीनियर लोग हैं, एक मैं ही सबसे छोटा हूँ। अवधेश मिश्रा, सुशील सिंह, संजय पांडे, पद्म सिन्हा भी हैं। इनके तीनों के साथ एक फिल्म में मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। कल्लू ने कहा कि इतने बड़े बड़े कलाकार को देखकर मैं फर्स्ट डे नर्वस हो गया था कि क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खासकर रजनीश मिश्रा ने जिस तरह से सिचुएशन को मेरे साथ हैंडल किया, उसके बाद चीज़ें आसान हो गई। कल्लू ने फिल्म के बारे में कहा कि पारिवारिक सामाजिक एक्शन रोमांटिक फिल्म है, इसकी कहानी बहुत प्यारी है। मतलब रजनीश मिश्रा के साथ मैं काम करना चाहता था और ये मौका मुझे राजतिलक में मिला, जिसमें अवधेश मिश्रा का काफ़ी सपोर्ट रहा है। इस फिल्म में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने दर्शकों से अपील की कि जब भी ये फिल्म लगेगी सिनेमाघरों में जाकर जरूर देखें। YouTube पर बाद में कल्लू ने फिल्म साइन करने के मानदंडों के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि पहले जब मुझे हीरो बनना था तब कोई भी फिल्में कर लेता था, लेकिन अब इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बढ़ा है और तब से मैं पहले स्टोरी, डायरेक्टर और म्यूजिक मेरी प्राथमिकता होती है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। यही वजह है कि जिसके साथ मैं सोचता हूँ उसके साथ काम करने का मौका मिलता है। उन्होंने फिल्म की हीरोइन को सोनालिका प्रसाद की तारीफ भी की है और कहा है कि वो बहुत अच्छी हैं, उनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया है। उम्मीद है कि ये जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आए फिल्म राजतिलक के जरिए। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आज के हलचल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी हलचल भरी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।